हेलो फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे पार्ट्स ऑफ ए स्पीच होता क्या है। दरअसल जो भी कुछ हम बोलते हैं, यानी हमारे ज़ुबान से जो भी वर्ड्स निकलते हैं, जो भी वर्ड निकलते हैं, वो सब के सब पार्ट्स ऑफ ए स्पीच होते हैं, यानी हमारे स्पीच का वो हिस्सा होता है। इसीलिए इसको हम पार्ट्स ऑफ ए स्पीच कहते हैं, ठीक है। वैसे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किसी भी लैंग्वेज के ग्रामर को समझने के लिए आपको उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले नाउन से स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच हम नाउन समझते हैं, ये होता क्या है। दरअसल नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग एटसेट्रा, ये सब नाउन है, किसी भी चीज़ का नाम। दुनिया में जो भी कुछ है, आप उसका बस नाम ले लीजिए, वो नाउन हो जाएगा। जो भी कुछ आपको दिखाई देता है या जो कुछ आपको दिखाई नहीं भी देता है, अगर आपने उसका नाम ले लिया तो वो नाउन हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। आप स्टूडेंट हो, आप भी दिखाई देते हो, मुझे दिखाई देते हो, आप कभी कभी नहीं भी दिखाई देते हो, कोई बात नहीं, मैं आपको आपके नाम से बुला लेता हूँ, या स्टूडेंट भी बोल दिया तो भी वो नाउन हो गया, ठीक है। इस कमरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ है, कमरा भी एक नाउन है, लाइट है, बल्ब है, फैन है, वगैरह वगैरह, ट्यूबलाइट है वगैरह, ये सब नाउन है। मार्कर है, बोर्ड है, कार्ड है, आई कार्ड है, ये सब क्या है, नाउन है। जो नहीं भी दिखाई देता, जैसे हवा है, गॉड है, वो सब के सब नाउन है। आपने जिसको भी नाम से पुकार लिया वो नाउन है। जैसे सोने के बाद हमें कुछ दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, सपना। तो अगर हमें नाम नहीं पता होता तो हम क्या बोलते हैं, अरे वही जो सोने के बाद दिखाई देता है। तो कोई भी बोले सोने के बाद क्या दिखाई देता है भाई, अरे वही जो हम रात में आँख बंद करने के बाद देखते हैं। तो हमने आसानी के लिए क्या कर दिया, उसका एक नाम दे दिया। तो आसानी हो जाती है किसी को एक्सप्लेन करने में कि अरे हाँ, आप ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, सीधा हम बोल देते हैं ड्रीम या सपना। तो ये क्या है, नाउन है। यानी दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ है, मैं तो कहता हूँ जितनी भी चीज़ है आपको, जो दिखाई देता हो या ना दिखाई देता हो, वो सब का सब नाउन है। तो नाउन समझ में आ गया आपको। आसान भाषा में मैं इसको नाम लिख देता हूँ। वैसे इसकी हिंदी होती है संज्ञा, आपको पता ही होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो संज्ञा वगैरह याद नहीं रख पाते, बचपन में पढ़ा है लेकिन वो भूल गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेकेंड क्लास थर्ड क्लास से ही ये सब याद रखे हैं, लेकिन ये क्लास दरअसल उन बिगनर्स के लिए हैं जो बचपन में पढ़ने के बाद या तो वो भूल गए या इस कंसेप्ट को समझे ही नहीं। तो आज ये क्लास उनके लिए डेडिकेटेड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास उनको अच्छे से समझ में आएगा और वो कभी भूल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो नाउन आपको समझ में आ गया, यानी कि नाम होता है किसी भी चीज़ का, उसको हम नाउन कहते हैं, ठीक है। अगला है पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन मैंने आपको बोला क्या, नाउन मतलब किसी भी चीज की, दुनिया में जो भी कुछ है वो सब तो नाउन ने ले लिया, तो फिर प्रोनाउन के पास क्या बचा। जब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब का सब नाउन ही हो गया, तो फिर प्रोनाउन क्या है, आप ही बताइए क्या है प्रोनाउन। दरअसल प्रोनाउन मैं बताता हूँ आपको, प्रोनाउन जो नाम के बदले इस्तेमाल होता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं, नाम के बदले। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरी क्लास में एक लड़का है दीपक। दीपक क्या करता है, खेलता है, प्लेज क्या खेलता है, क्रिकेट, ठीक है। तो दीपक नाम है किसी लड़के का, तो ये हो गया नाउन। क्या खेलता है वो, क्रिकेट, तो ये गेम का नाम हो गया, तो ये भी हो गया नाउन, ठीक है। अब हम दीपक के बदले बोलते हैं वह, बार बार सेंटेंस में हम दीपक 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 बोलेंगे तो थोड़ा ख़राब भी लगता है, इसलिए एक बार दीपक बोल दिया, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, अगर वो लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, ठीक है। ही लाइक्स क्रिकेट, ही लाइक्स क्रिकेट, क्रिकेट के बदले हमने बोल दिया इट, क्योंकि ये किसी भी गेम का नाम है, तो हमने वस्तु, जगह, जानवर, ये सब के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या कोई भी चीज़ का नाम है हम उसके लिए हम
इट का नाम, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, उसके अलावा अगर कोई है तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो ही, अब ये क्या है, ये नाम के बदले इस्तेमाल हो रहा है, तो ये प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन। ये क्या है, ये भी नाम के बदले इस्तेमाल हुआ, तो ये भी प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो अब आपको नाउन और प्रोनाउन तो समझ में आ गया कि सेंटेंस में जब हम शुरू में हम कोई भी चीज लिखते हैं वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और जब हम लास्ट में लिखते हैं वो भी नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये बीच वाला क्या है भाई, ये जो प्लेज है, ये प्ले का मतलब होता है खेलना, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, तो दरअसल ये वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो तीसरा है हमारा वर्ब, पहला, दूसरा, तीसरा। वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया, लेकिन मैं आपके लिए लिख रहा हूं काम, क्रिया, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, लेकिन वैसे ज़्यादातर बच्चे ये सब संज्ञा सर्वनाम बहुत कम याद रख पाते हैं, डे टू डे लाइफ में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए लोग भूल जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी भूल जाते हैं। लेकिन मैंने आसान भाषा में आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश किया, इसलिए मैं इस तरह के वर्ड लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कभी ना भूले। काम, ये कौन सा काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। ये कौन सा काम कर रहा है, पसंद करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो काम यानी वर्ब का मतलब क्या हो गया, काम। अच्छा, अब सेंटेंस को बनाने के लिए ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस में जो शुरू में होगा या लास्ट में होगा वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है, और जो बीच में होगा वो वर्ब होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस को जब हम स्ट्रक्चर जब इसका हम बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, जो शुरू में होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जो बीच में होता है उसको हम कहते हैं वर्ब, और जो लास्ट में होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ों को मिला करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग समझने के लिए हमें ये तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो अब ये सब्जेक्ट क्या है, ये क्या नाउन है या प्रोनाउन है या ये उसी का नाम है, नहीं, ये उसका नाम नहीं। दरअसल सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्ता, कर्ता मतलब करने वाला, डूअर, डूअर, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके बारे में बात हो रही हो उस सेंटेंस में उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या, हिंदी में कहते हैं उसको कर्म, यानी इसको इंग्लिश में हम कहेंगे रिसीवर, ठीक है, रिसीवर, यानी कि काम का उस पर फल पड़ता हो, काम का उस पर असर पड़ता हो। जैसे खेलना, तो दीपक जो खेलता है क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, वह पसंद करता है, क्या पसंद करता है, यानी क्रिकेट को पसंद करता है। तो ये जो वर्ब है, वर्ब ये, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया, ठीक है, क्रिया, ये वर्क है हमारा, जो भी काम हम कर रहे हैं ये वो काम है। तो यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ों को आपने समझा। इन तीन चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्या है, वर्ब है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस में नाउन होगा, कभी कभी प्रोनाउन होगा, ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में नाउन ही हो या हर सेंटेंस में प्रोनाउन ही हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। ये VVIP कह सकते हैं आप इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है जो कि किसी भी सेंटेंस में यूज़ होता है, इसलिए आप इस वर्ब को अच्छे से समझें, बाकी इसको डिटेल में हम बाद में करेंगे। जैसे इज और ING लगा करके भी हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे दीपक इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे जो इज है ये क्या है, ये भी वर्ब है और प्लेइंग ये भी वर्ब है, लेकिन ये क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है और ये एक्शन वर्ब है। तो वर्ब को दो भाग में हमने बांट दिया, एक है एक्शन और दूसरा है नॉन एक्शन, एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है। आपको ये वर्ब भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है, मैं ये तीन इंपॉर्टेंट आपको ऐसे समझाता हूं, चौथा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं विशेषण। अब आप विशेषण समझिए, या आपको जो याद रहता है आप वो याद रख लीजिए। मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ खूबी, किसकी खूबी, नाउन की या प्रोनाउन की।
नाउन की या प्रोनाउन की खूबी बताने वाले को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, दीपक इज अ गुड प्लेयर, दीपक एक अच्छा खिलाड़ी है, ये तो नाउन है, ये आपका नाउन हो गया। ये क्या है? ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, ठीक है। और ये क्या है? गुड, ये एडजेक्टिव है। और ये क्या है? प्लेयर, नाउन है। अब ये देखिए, एडजेक्टिव किसको कहते हैं? यानी जो किसी भी नाउन की खूबी को या उसकी कमी को, खूबी भी हो सकता है, कमी भी हो सकती है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खूबी को बताने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ये गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो इस नाउन की, या अगर इसके बदले अगर कोई प्रोनाउन होता तो हम उसकी खूबी या कमी को बताने वाले को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। नेक्स्ट, एडवर्ब। एडवर्ब भी खूबी बताता है, लेकिन किसकी? आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए, वर्ब वैसे तो बहुत आसान है इसको याद रखना, वर्ब की जो खूबी बताए उसको हम एडवर्ब कहेंगे। किसकी? वर्ब की। वर्ब की खूबी कैसे बताएगा? जैसे यहां पे हमने बोला दीपक प्लेज क्रिकेट, तो दीपक प्लेड, दीपक ये नाउन है और ये क्या है? वर्ब है। अब जो ये वर्ब है, अब इसकी क्वालिटी को और बढ़ा देगा, इसको मॉडिफाई कर देगा, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। ये क्या हो गया? एडवर्ब। कि दीपक ने खेला, कैसा खेला? अच्छा खेला, ठीक है, तो अच्छा खेला है। ये जो अच्छा है, वेल, ये क्या है? एडवर्ब है। तो वर्ब की खूबी बता दिया। अब ये जो एडवर्ब है, ये दूसरे एडवर्ब की भी खूबी बताता है। जैसे ये वेल, ये दूसरा एडवर्ब है, अब इसकी खूबी बताने वाले को भी हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे वेरी, तो यहाँ पे दीपक प्लेड वेरी वेल, तो यहाँ पे वेरी भी एडवर्ब है, यानी एडवर्ब की भी खूबी बताता है, यानी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करके एक और नया एडवर्ब बनाता है, उसको भी हम एडवर्ब ही कहते हैं, ठीक है। आपने देखा दीपक प्लेड वेरी वेल। एडवर्ब जो है, ये दरअसल बहुत सारे लोग इसको इतना ही समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको आज पूरा समझाने वाला हूँ। आप इसको बस वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं पाएंगे। एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव जब आपने देखा, दीपक इज़ ए गुड प्लेयर, यहाँ पे भी अगर हम लिख देंगे दीपक इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, तो यहाँ पे एडजेक्टिव को भी वो मॉडिफाई करेगा, यानी एडजेक्टिव की भी विशेषता को और बढ़ा देगा, तो उसको हम एडवर्ब कहेंगे। यहाँ पे वेरी क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। एडवर्ब यानी एडवर्ब किसकी खूबी बताया? वर्ब की, एडवर्ब की और एडजेक्टिव की, तीनों की खूबी बताने वाले को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो वैसे बहुत ही छोटी चीज़, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है, खाना बनाएं या कुछ भी करें तो उसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो ये भी प्रीपोजिशन। वैसे तो हम सिर्फ इन तीनों की मदद से सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन जब हमें सेंटेंस अच्छा बनाना होता है, या कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रीपोजिशन के बगैर सेंटेंस बनता ही नहीं है, होता था ये बहुत ही छोटा। जैसे आपने देखा होगा प्रीपोजिशन, यानी पोजिशन से पहले इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हमने बोल दिया कि दीपक अभी कहाँ पे है, तो दीपक इज इन द स्टेडियम। दीपक कहाँ पे है? स्टेडियम में है। अच्छा, ये देखिए, जो पोजीशन है उससे पहले लगता है, यानी स्टेडियम में, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेडियम में, यानी में वर्ड बाद में आता है, स्टेडियम के बाद आता है, लेकिन इंग्लिश में प्री पोजीशन, यानी पोजीशन से पहले लग जाता है, ये याद रखिएगा आप। जैसे एक और एग्जांपल, नाउ
ही इज एट होम। अभी वो कहाँ है? घर पर है। तो घर पर, हिंदी में हम घर के बाद लगाते हैं पर, लेकिन इंग्लिश में वो पहले आ जाता है। तो अब ये समझे, ये एक क्या करता है, रिलेशन बताता है, किसका, नाउन का या प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ। ठीक है, किसी दूसरे वर्ड के साथ नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है, और यूज होता है किससे पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो जाता है, उसके पोजीशन से पहले लग जाता है। जिस तरीके से आपने यहां पे देखा, होम क्या है, नाउन है, स्टेडियम क्या है, नाउन है, नाउन से पहले लग गया इन, यहां पे होम से पहले लग गया एट, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा ऑन द टेबल, राइट, ऑन द रूफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन, अब ये देखिए, आपने सुना होगा ये वर्ड काफी, जंक्शन, जंक्शन, बहुत सारे रेलवे स्टेशन जहां पे कई सारी गाड़ी आकर के रुकती है और जोड़ती है वो, तो उसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। बहुत बड़े बड़े रेलवे स्टेशन आपने देखे होंगे, तो उस पे लिखा होता है इलाहाबाद जंक्शन। ठीक है, तो जंक्शन का मतलब क्या है, वहां पे वो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कई सारे स्टेशन को वो जोड़ने का काम करता है, उसको कहते हैं जंक्शन। तो कंजंक्शन भी क्या करता है, जोड़ता है। तो आपको इसी वर्ड से याद रखिए आप, जंक्शन मतलब जोड़ता है, किसको, वर्ड को वर्ड के साथ, सेंटेंस को सेंटेंस के साथ। ठीक है, वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ेगा, सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ेगा। जैसे एंड, बट, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स बहुत सारे हैं ऐसे कंजंक्शन। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, दरअसल इंटरजेक्शन ये कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, इसका यूज वैसे होता तो बहुत कम है, लेकिन इसको समझना जरूरी है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इंटरजेक्शन दरअसल ये एक सडन जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो इमोशन है, वो जो अचानक से निकलता है, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि उफ, ओके, और इसको हम एक्सक्लामेटरी वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है। उफ, अलास, हुर्रा, इस तरह के वर्ड, उफ, जैसे कभी कभी आपको चोट लगती है तो आप अपनी भाषा में अगर किसी भी तरह की आवाज़ लगाए, है ना, चाहे वो कोई भी आवाज़ हो, उसकी कोई डिक्शनरी मीनिंग तो नहीं होती है, लेकिन वो हमारा एक्सप्रेशन होता है, वो जो कि उन आवाज़ यानी उन वर्ड के जरिए निकलता है, चाहे आप वो कुछ भी कर सकते हैं, इस, ठीक है, वो सब इंटरजेक्शन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है इसमें, या अगर कोई भी पार्ट अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।